चार बजे हैं, मैं उठ गया हूँ, आप कॉल करते हैं बाकी लोगों को, देखते हो कौन कौन उठ गया कौन कौन नहीं, क्योंकि अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। और कह रहे थे कि आ जाएगा, जाना है ऋषिकेश, 5 बजे की बस है, उठाते हैं। कुणाल भी उठ गया है, मंथन भी उठ गया है, वही सो रहा है, उसको उठाते हैं, तब तक हम रेडी होते हैं, फिर 4:50 तक हमें बस लाइन पहुँचना है। सो बाय। पांच आठ हो गए हमने, बस मिस कर दी, आर टाउन की बस मिस हो गई है, आर टाउन ही हुई है, और सबके पापा छोड़ने आ गए थे आज, तो बस साढ़े चार वाली बस मिस हो गई, मिस नहीं मतलब भर गई थी, तो गई पानी बोतल लाओ सब, नहीं कोई नहीं लाया, मैं भी लाया। सीट घेरने की निंजा टेक्निक, बैग रख दो और उतार। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं भाई, 6 बज गए हैं, बस स्टार्ट पहुँचनी हम ऋषिकेश, नहीं पहले हरिद्वार फिर वहाँ से ऋषिकेश, और क्या सीन है कैसे रहेगा वो सब देखते हैं। हम दोनों ने पावर नैप ले लिया, ये दोनों तो सो ही रहे हैं भाई तब से, तो फिर खींच भाई लंबा खींच। भाई ढाबा आ गया, उठा रहा हूँ, हरिद्वार पहुंच गए हैं, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे हरिद्वार, बस स्टैंड, अब ऋषिकेश की बस ढूंढते हैं और फिर जाते हैं। अरे भाई बस कर, तो ऋषिकेश की बस मिल गई है, चलती है। और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा बोल रहे हैं अंकल, तो कौन सा आज अंकल? हाफ एन आवर में ऋषिकेश, अब आगे मिलता है आपसे। ओके भाई, भूख लग रही है बहुत, कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले खाएंगे यार। हाँ भाई, चल नहीं पाएंगे, फ्यूल खत्म हो गया, 15-20 मिनट लगेंगे भाई। ये बस सो ही रहा है जब से आया है, 20 मिनट उठा था बस स्टॉप पे। भैया पहुंच गए ऋषिकेश, और ये वादियां देखें, ऋषिकेश आ टाउन आउन। अब क्या है भाई, भूख लग रही है, कुछ खाएंगे और स्कूटी स्कूटी देखते हैं भाई। स्कूटी रेंट पे ले ली है, एक ये और एक ये, बस अब यहाँ से निकलेंगे हम होटल की तरफ, होटल कराए नहीं तो होटल कराएंगे लग रहा है, और फिर खाएंगे इससे पहले, और लेट्स गो एंजॉय। ये ऋषिकेश बॉय, वो रहा सामने पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल डन। रूम देखने जा रहे हैं कैसा है, अच्छा होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो बैक ऑफ। रूम मिल गया है, यहाँ हम वेट कर रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है क्योंकि रूम खाएंगे फ्रेश होके, फिर वहाँ से घूमने जाएंगे, देखते कहाँ क्या क्या, अभी कुछ प्लान ही नहीं किया हमने। तो भाई वी आर रेडी, फ्रेश हो गए, अब कितना टाइम क्या हो गया, टाइम बताओ। टाइम हो रहा है भाई, फोन तो मेरा है नहीं मेरे पास, फोन कहाँ है तेरा, 12:21 टाइम हो रहा है। तो जा रहे खाने, फिर उसके बाद निकलेंगे हम मेल, मेल के बाद हम देखते हैं, अभी यही हमारा कुछ प्लान है। अभी हम जा रहे हैं तत्वा कैफे, पूरी भीड़ हो रखी है, बहुत लोग हैं, तो अब कहीं और जाते हैं, देखते हैं। अरे फुल भीड़ एकदम, फॉरेनर्स मतलब कैफे से सीधे आए हैं, पंजाबी साइड कैसा लग रहा है? लस्सी मंगाई है गाइस, लस्सी छाछ मसाला छाछ, नीर वाटरफॉल कैंसिल, अभी हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम, तो देखते हैं कैसा रहेगा। बीटल्स आश्रम जा रहे हैं अभी, अब मस्त गलियां हैं।
आधे घंटे के बाद लग गया हमें यार। इससे ज्यादा ही लग गया होगा। कमेंट करिए एक्सेल किस चीज का। फ्री में आने, फ्री में आने। हां बीटल्स आश्रम या एनी डॉट एस आर टी वी 22 सी गुटिया फिर आरती भी करनी है। देखते हैं कब जाएंगे कैसे जाएंगे कितना टाइम बचेगा। कितना टाइम बचा हमारे पास। हमारे पास अभी डेढ़ घंटा है। आधा घंटा है डेढ़ घंटा है। नहाना भी है और हाँ। साढ़े पाँच बजे से आरती है ना तो नहाने भी है। लाइट चल रही है अभी नहाना भी है। बहुत टाइम वेस्ट किया हमने। फोटो 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 वैसे मजा आ रहा है। इतना लेट हो गया कि अब हम अपने रूम नहीं जा सकते वापस और आगे तक गए गोवा बीच। वहाँ पे भी जाम लग गया था तो वापस आ गए। अब आए यहीं पे घाट जो है यहाँ नहाने का देखते हैं। कैमरा नहीं ला सकते मैं फिर नहाने के बाद सीधे आरती क्योंकि रूम में जाके टाइम वेस्ट होगा। मैंने भी किया बहुत ठंडा पानी है। मैं भी स्लिप होने वाला था। स्लिप हो गया था ऑलमोस्ट। पकड़ा हमें वो वापस करते वो मैं भी सबको मैं भी सब सब सारे जय श्री राम। जय श्री गंगे। मजा आ गया अब नहा के। मैं पहली बार खुद को अच्छा लग रहा हूँ। मजा आ गया। अब जा रहे हैं हम रूम चेंज करेंगे कैमरा लेंगे फिर आरती करने आते चले। यस गाइस यस। कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। नहा के तो भाई मजा आ गया। डुबकियां लगाई हैं कुछ हमने भाई आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। रिफ्रेश्ड बिल्कुल थकान सारी मिट गई है। भाई के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। ये आपके हमारी डुबकी है जय श्री राम वाली। जय श्री राम। तीन तीन के चार सेट। जय श्री राम। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट आरती में। सो लेट्स गो। चले अब आरती में। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो चिल्लू क्या मेरा चप्पल फॉर मंदिर। मैं कैमरा वैमरा सब रेडी है जा रहे हैं। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे।
रात को घूमने निकले ऐसे ही सारी शॉपें बंद हो गई। भाई 141 हो गया है और अभी हम सोए नहीं थे। और एक सो ही रहा है जब से आया है। और थोड़े सोने पे बस थोड़ा जगह है जिसमें ये वही हमने प्लान किया था जाएंगे राम ब्रिज। चार घंटे के सफर में 3 घंटे सो के भी आया है। हाँ खाना खाने के बाद जब आगे जाए तो सोचा था रामझूला सोचा था बट थोड़ी देर ऐसी बैठे बात करने लग गए तो टाइम गया। देन उसके बाद मैं स्टोन का दर्द चालू हो गया तो हम जा नहीं पाए और अब खाना मंगाया तो खा के सो जाएंगे वही नेक्स्ट टाइम। और भाई कैसा रहा आज का दिन? बहुत सेक्सी रहा। हर जगह घूमे और गंगा आरती में जहाँ पिछले बार नहीं जा पाया था वहाँ घूम के आए। और बस नहाए जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डेंजरस जगह पे नहाया, बहुत डेंजरस जगह थी जहाँ पे हम नहाए। वो था हमारा संत घाट था। वह संती नहा सकते थे हम लोग, संती थे और भाई बहुत तेज भाव था। आप बिल्कुल रिस्क मत लें, लेना चाहिए लेकिन। डन हमने भी लिया था। डन है भाई ये सो रहा है। सो के बाद है।